वाहिगुरु जी की फतेह। सो दोस्तों, कल बात करांगे शहीद भाई दविंदर सिंह जी मकंदपुर के बारे, इन्हां नाल जुड़ियां होईयां वह घटनावां वह एक्शन दसांगे तुहानूं जिहड़े तुसीं शायद ही पहलां सुने होण। सो दोस्तों, शुरू करदे आं अज्ज दी वीडियो, सारी सुणियो ते अगे जरूर शेयर करियो। शहीद भाई दविंदर सिंह मकंदपुर, इन्हां दा जन्म सन 1970 दी कत्तक दी मस्या वाले दिन पिता जथेदार सरदार बहादुर जी के ग्रह विखे माता प्रकाश कौर की कुखों पिंड मकंदपुरा डाकखाना भीलोवाल बाया चविंडा चविंडा देवी तहसील मजीठा थाना कथू नंगल जिला अंबरसर च होया। आप का एक वड्डा भरा सविंदर सिंह ते छोटी भैन रुपिंदर कौर है। पिता जी जिमीदार किसान सन ते बड़े चढ़दी कला वाले गुरसिख सन। भाई दविंदर सिंह का कद 6.5 फुट रंग कणक बन्ना सुभा जशीला शरीर सडौल सी। आपने 12वीं तक पढ़ाई नवां पिंड के सरकारी स्कूल तो प्राप्त की, फिर अंबरसर ITI कॉलेज दाखला ले लिया। बचपन तो ही रुझान सिक्खी वल सी। 8 साल की उम्र में ही श्री अकाल तख्त साहब तो अमृत पान कर लिया सी। आप नूं संत भिंडरां वाले दे दर्शन करन अते बचन सुनन दा सुभाग भी प्राप्त है। आप अक्सर ही परिवार समेत गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश दौदी साल मेहता विखे जाया करदे सन ते कई कई दिन उत्थे ही रहा करदे सन। जद जून 1984 च श्री दरबार साहब ते हमला होया तां उस समय आप दी उम्र 14 साल सी। घल्लूघर की खबर सुन के आप का हिरदा छलनी छलनी हो गया। पढ़ाई तो बाद आप जी ने महापुरश संत बाबा ठाकर सिंह जी खालसा की संगत च ही पक्के तौर पर रहना शुरू करता। तो 9वीं टकसाल मेहता रह के गुरबाणी की संथिया गतकरी सिखलाई प्राप्त की। आप भजन बंदगी बहुत करया करते सन ते अमृत वेले कदे भी खुंझण नहीं सी दिंदे। आप जी ने अपने मन के बलबले कई बार बाबा ठाकर सिंह नाल सांझे कीते ते सिख संघर्ष च कुदण दी आग्या ली। बाबा जी ने अरदास करके सिरों पाओ बख्श के आशीर्वाद दिंदिआं अपने हत्थी भाई दविंदर सिंह नूं सन 1988 च मैदाने जंग वल तोरिया। कुछ समा खालिस्तान कमांडो फोर्स के जझारूआं नाल सेवावां निभाउण तो बाद आप बब्बर खालसा जथेबंदी के संपर्क च आ गए। तो भाई सुखदेव सिंह चाचा चब्बा नाल मिलके संघर्ष में जूझते रहे ते सिक्खी के दुश्मनों नूं खालसा ही रवायतां अनुसार चुण चुण के सोधते रहे। आप का नाँ बब्बर खालसा दे चोटी के जझारूआं च गिणिया जाण लग्या। अखबारां दीआं सुरखियां च भी आप का नाँ गूंजदा सी। पंथ दोखी आप जी का नाँ सुन के थर थर कंबदे सन ता वैरी दे सीने ते चढ़ के गरजदे सन। बब्बर खालसा इंटरनेशनल जथेबंदी मुख सेवादार भाई सुखदेव सिंह दासूवाल बब्बर, भाई महल सिंह बब्बर, भाई तरविंदर सिंह बब्बर, भाई बधावा सिंह बब्बर, भाई लखविंदर सिंह मंड, भाई महेंद्र सिंह प्योंद, इन्हां जझारूआं की अगवाई च आप ने कई कारनामे किए। आप ज़्यादातर श्री अंबरसर तरन तारण बटाला डेरा बाबा नानक गुरदासपुर श्री हरगोबिंदपुर आदि इलाकों विचरे। जब आप रूह पोश होकर हथियारबंद संघर्ष च विचर रहे सन तो कदे कदाई घर गेड़ा मारते सन। आप दे नाल होर भी काफ़ी सारे सिंह सूरमे हथियारों नाल लैस होंदे सन। आपने कदे किसी नाल धक्का नहीं सी होण दिता ते धीआं भैणां दी राखी कीती। आप अक्सर ही किया करदे सन कि दरबार साहिब ते हमला करन वाली सरकार नूं ऐसा सबक सिखाउणा कि दिल्ली का तख्त भी पलट जावे ते खालसे दे बोलवाले होण। आप बड़ी उच्ची आवाज गाया करते सन, दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छत्र चुलेंगे शीश पर बड़ी करेगी मौज। आप दे जथे ने CRPF दीआं छौणियां ते बड़े हमले किए ते जालम पुलिस अफसरां नूं ललकार के सोधिया। सिक्खी खिलाफ जहर घोलण वाले बटाले दे दो कामरेडां नूं आप ने 3 बार चेतावनी दित्ती, पर जद उह ना सुधरे तां आप ने सदा दी नींदे सवाता। इसे तरह गुरदासपुर का एक संघी लीडर भी आप दे जथे ने सोधिया। 18 वाले पिंडां दे लोग आप दा बेहद माण सत्कार करदे सन। आप दे विच एक खासियत सी कि जिस घर च भी आप ठहरदे सन उन्हां दे डंगरां पशुआं लई आप पट्ठे वढ़ के लियाउंदे सन, चारा पा के पशु भी चौंदे सन। कहण तो भाव उह किसे ते भार नहीं सन बणदे,
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਭਰਾ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਥਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਨਕਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਕੌਮੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਪਿੰਡ ਚਾਟੀ ਪਿੰਡ ਦੋਵੇਂ ਜੁਝਾਰੂ ਪਿੰਡ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਆਪ ਪਿੰਡ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਂਗਾ ਸਰਾਏ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਾ ਸਰਾਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਹਰਲ ਹਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਲਨੀ ਛਲਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਜੁਝਾਰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗੁਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਆਪ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਢਹਿ ਪਿਆ ਜੀ,